हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम टेकन में सबसे मज़ेदार प्लेयर कौन की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं गॉन की फाइटिंग के बारे में। गॉन में स्पीड है, स्टैमिना है, गॉन मुंह से फायर भी निकाल सकता है और गॉन की खासियत है कि वो सबसे ज़्यादा खाना खाता है। गॉन ने अपना डेब्यू टेकन 3 से किया था और गॉन पर काफ़ी सारे गेम्स एंड प्रोग्राम भी बन चुके हैं। एक प्रोग्राम तो हमारे चैनल पोगो पर भी आता था, शायद अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा कि वो प्रोग्राम कितना मज़ेदार था। अब बात करते हैं गॉन की स्टोरी के बारे में। एक शांत बड़ा जंगल होता है और वहाँ पर अलग अलग प्रकार के जानवर रहते थे। फिर तभी वहाँ पर एक लोमड़ी और एक भालू के बीच लड़ाई होने जा रही होती है। और लड़ाई करते हुए भालू की जीत होती है। फिर तभी आसमान में बिजली कड़कती है और वो भालू देखता है कि कोई तेजी से नीचे की ओर गिर रहा है और वो अपना गॉन होता है। नीचे गिरने पर एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। फिर गॉन जंगल में धीरे धीरे सबको पीटता जाता है। और सारे जंगल में अपना दबदबा यानी कि हुकूमत करता रहता है और जंगल का मालिक बन जाता है। इस कैरेक्टर को टेकन में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, क्योंकि अगर आपने टेकन 3 खेला हो तो आपको पता होगा कि गॉन टेकन 3 के प्लेयर में नहीं दिखता। गॉन को सीक्रेट रखा गया है और गॉन टेकन 3 के अलावा किसी और में भी नहीं है। और गाइस, मुझे खुद समझ नहीं आता कि टेकन 3 जिसने भी बनाया था उसने गॉन को क्यों लिया, और लिया भी तो उसके बाद गॉन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी गई। और गाइस, आई नो की स्टोरी टेकन से जुड़ी नहीं है, पर जो भी है यही स्टोरी है। मेरा तो काम ही है कि आप तक कोई भी स्टोरी पहुंचाना, भले ही वो अच्छी हो या बुरी हो, इसका डिसाइड तो आप ही कर सकते हैं। बस अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।